नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं YouTube चैनल पीसीएस एकेडमी। दोस्तों, हम लोग की जो सीरीज़ चल रही है विलोम शब्द की हिंदी आर ओ ए आर ओ एग्ज़ाम के लिए 2018 के लिए, आज उसी का ये अगला भाग है और इसमें हम विलोम शब्द ही देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले एक बात और कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने, फिर वही कहूँगा मैं, आप सभी लोगों को मालूम ही है, लेकिन जिन लोगों को नहीं मालूम है ये उनके लिए भी है। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही उसके बाद जो बेल आइकन आएगा उस पर जरूर आप टच टैप प्रेस क्लिक करिए। तो उससे होगा कि इन फ्यूचर जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी और आप चाहें तो उसको अपने समय के अनुसार देख सकते हैं या फिर सबसे पहले देख सकते हैं। और जिन लोगों को भाई वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आप बिल्कुल लाइक करिए और जितना हो सके आप शेयर करिए और अपने साथियों तक और आगे पहुँचाइए। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की ये प्रश्न जो आज के हैं, देखते हैं। तो प्रश्न है, भ्रांत का विलोम है। अब भ्रांत का विलोम क्या होगा, इसके लिए हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है हमारा निर्भ्रांत और बी विश्रांत और सी दुखांत और डी शांत। और ये प्रश्न दोस्तों UPPCS मेंस में 2014 में पूछा जा चुका है, तो ऐसे प्रश्नों को जरूर आप ध्यान दीजिएगा। तो इन चारों में से सही आंसर क्या होगा, तो भ्रांत का विलोम ऑप्शन ए होगा, यानी निर्भ्रांत। ऑप्शन ए निर्भ्रांत भ्रांत का विलोम है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। ये ए जो है निर्भ्रांत, ये भ्रांत का विलोम है। व्याख्या देखते हैं। भ्रांत का विलोम निर्भ्रांत होता है, विश्रांत का विलोम श्रांत तथा दुखांत का विलोम सुखांत और शांत का विलोम अशांत होता है। तो ये तीन ऑप्शन भी आपके क्लियर हो गए, तीन से इनके भी विलोम शब्द मिल गए, तो आपको अच्छा रहेगा ये याद रखने में, क्योंकि इसीलिए मैं ऑप्शन बोलता हूँ, क्योंकि जो व्याख्या दी हुई है उसमें व्याख्या में और इसके जो तीन ऑप्शन होते हैं राइट के अलावा उनकी डिटेल भी कुछ दी होती है, इसीलिए मैं ऑप्शन बोलता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, अथ का विलोम शब्द है। अथ का विलोम शब्द क्या होगा, तो देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है अथक, ऑप्शन बी पृथक और ऑप्शन सी इति, ऑप्शन डी अति। अब ये प्रश्न देखिए, दो एग्जाम में पूछा जा चुका है, एक तो UP RO ARO मेंस में 2014 में पूछा जा चुका है और UPPCS मेंस 2006 में भी पूछा गया है। तो क्वेश्चन जो है बस इन्हीं सब से लिए जाते हैं मैक्सिमम। देखिए, आप देख ही रहे हैं कि जो पिछले रिपीट क्वेश्चन पेपर आए हैं उसमें से लिए गए हैं, तो उसी तरीके से आगे भी बस मेरी नज़र में ये तो ज़रूर इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऐसे प्रश्न जो रिपीट हुए हैं कई बार। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अथ का विलोम शब्द क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी इति, अथ का विलोम इति होता है। ठीक है दोस्तों, अथ का विलोम इति है, अथक थक का विलोम है और अति अल्प का विलोम है। ये भी क्लियर हो गया आपको, जो अथक है वो थक का विलोम है और अति जो है अल्प का विलोम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है अभिज्ञ का विलोम है। तो अभिज्ञ का विलोम क्या होगा, तो ऑप्शन ए है अज्ञ, ऑप्शन बी तज्ञ, ऑप्शन सी प्रज्ञ और ऑप्शन डी चतुर। अब ये प्रश्न देखिए कितनी बार पूछा गया है, ये प्रश्न है कितने एग्जाम में आ चुका है, एक तो UP RO ARO Pre 2010 में आ चुका है, UP Lower Mains में 2002 में आ चुका है और UP PCS मेंस में 2002 में भी आ चुका है और 2014 में भी आ चुका है। तो ये प्रश्न बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, तो अभिज्ञ का विलोम है, अभिज्ञ का विलोम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अज्ञ, ऑप्शन ए अज्ञ अभिज्ञ का विलोम होता है। ठीक है, अभिज्ञ का विलोम अज्ञ है, जबकि विज्ञ एवं प्रज्ञ अज्ञ के विलोम है। ठीक है, विज्ञ एवं प्रज्ञ अज्ञ के विलोम है। चतुर का अर्थ चालाक होता है, चतुर का अर्थ चालाक होता है, अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है। ठीक है, अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है, अभिज्ञ का विलोम विकल्पों में अभिज्ञ भी हो सकता है, यदि विकल्प में अभिज्ञ नहीं है तो भिज्ञ का इसके विलोम के रूप में चयन किया जाएगा।
ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसमें पूछ दिया है वही अज्ञ का विलोम शब्द है, तो अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है विज्ञ, ऑप्शन बी यज्ञ, ऑप्शन सी सर्वज्ञ और ऑप्शन डी अनज्ञ। ठीक है दोस्तों, और ये प्रश्न जो है यूपी आर ओ आर ओ प्री 2014 में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर क्या होगा, अज्ञ का विलोम क्या होगा, अज्ञ का विलोम है ऑप्शन ए विज्ञ। अज्ञ का विलोम ऑप्शन ए विज्ञ है, और अभी इसमें व्याख्या में वही दिया है, ऊपर बताया गया है। ठीक है, अज्ञ का विलोम विज्ञ होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला भाई कहाँ है, कहाँ है, कहाँ गया भाई, ये रहा। अब यहाँ पूछा है अनभिज्ञ का विलोम शब्द है, तो अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों। इसका विलोम शब्द देखने से पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है भिज्ञ, ऑप्शन बी है अभिज्ञ और ऑप्शन सी अज्ञ और ऑप्शन डी अविज्ञ। और ये प्रश्न दोस्तों यूपी एनटी 2006 में पूछा जा चुका है। तो अब अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा, इसका आंसर है ऑप्शन बी अभिज्ञ। अनभिज्ञ का अभिज्ञ होगा विलोम शब्द। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। अनभिज्ञ का विलोम है, क्या है विलोम देखते हैं। ऑप्शन ऑप्शन ए है अज्ञ, ऑप्शन बी प्रज्ञ, ऑप्शन सी अभिज्ञ, ऑप्शन डी अविज्ञ। ठीक है, और ये प्रश्न जो है यूपी आर ओ आर ओ मेन्स में 2010 में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर क्या होगा, अनभिज्ञ का विलोम क्या हो सकता है, इसका आंसर है ऑप्शन सी अभिज्ञ। अनभिज्ञ का अभिज्ञ, अनभिज्ञ का आंसर जो है अभिज्ञ है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा आप लोगों को भाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है क्या, अगला है विज्ञ का विलोम है। अब विज्ञ का विलोम क्या होगा, विज्ञ का विलोम क्या हो सकता है, इसका आंसर है ऑप्शन ए विद्वान, ऑप्शन बी अज्ञ, ऑप्शन सी मूर्ख, ऑप्शन डी वंद। तो अब इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा विज्ञ का विलोम, विलोम जो है क्या होगा, तो इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी यानी कि अज्ञ, विज्ञ का विलोम अज्ञ होता है। ठीक है दोस्तों, और ये प्रश्न भी यूपी पीसीएस मेंस 2008 में पूछा जा चुका है। मैं फिर वही कहना चाहूँगा, ऐसे प्रश्नों को ज़रूर आप अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, मत देखिए आप हैंड फ्री यूज़ करते रहिए, मैं इस तरीके से बोलूँगा आपको सुनकर ही याद हो जाएगा। ठीक है, और जो ऑप्शन आते हैं उनका भी एक्सप्लेन हो जाता है इसमें। तो विज्ञ का विलोम क्या हो गया, ऑप्शन बी अज्ञ हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है सौम्य शब्द का विलोम है, तो अब सौम्य शब्द का विलोम क्या होगा, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है सौभाग्य, ऑप्शन बी उग्र, ऑप्शन सी शत्रु, ऑप्शन डी दुराशय। ये भी देखिए यूपी आर ओ आर ओ मेन्स 2013 में पूछा गया है। तो इसका भाई आंसर क्या होगा, सौम्य का, सौम्य का आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि उग्र। सौम्य शब्द का विलोम उग्र होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। देखिए व्याख्या देख लेते हैं। सौम्य का विलोम उग्र होता है, दुर्भाग्य का विलोम सौभाग्य तथा मित्र का विलोम शत्रु और दुराशय महाशय का विलोम है। ठीक है, आपको ये तीन ऑप्शन भी यहाँ से क्लियर हो गए भाई, दुर्भाग्य का भाई सौभाग्य हो गया और मित्र का शत्रु हो गया और दुराशय का महाशय हो गया। तो मेन प्रश्न हमारा था सौम्य का विलोम क्या हो गया, उग्र होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कृतज्ञ का विलोम है, कृतज्ञ का विलोम क्या होगा, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है अकृतज्ञ, ऑप्शन बी संवेदनहीन, ऑप्शन सी कृतघ्न, ऑप्शन डी जड़। और ये प्रश्न दोस्तों यूपी आर ओ और ए आर ओ का प्री का जो एग्ज़ाम हुआ था 2010 में, ये उसमें आया था। और इसके साथ ही जो यूपी ए पी ओ मेन्स 1994 में भी आ चुका है ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, कृतज्ञ का विलोम क्या होगा, कृतज्ञ का विलोम होगा ऑप्शन सी कृतघ्न, कृतज्ञ का विलोम ऑप्शन सी
कृतघ्न होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, कृतज्ञ का समुचित विलोम कृतघ्न है। ठीक है, अकृतज्ञ संवेदनहीन एवं जड़ के अर्थ दूसरे रूप में प्रयुक्त होते हैं। अकृतज्ञ संवेदनहीन तथा एवं जड़ के अर्थ दूसरे रूप में प्रयुक्त होते हैं। विकल्पों में कृतघ्न के न रहने पर अकृतज्ञ को भी कृतज्ञ के विलोम के रूप में चुना जा सकता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भाई क्लियर हो गया होगा ये। और दोस्तों इसी के साथ ये आज का ये भाग समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको जो भाई ये वीडियो पसंद आया होगा, ये भाग पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो भाई आप लाइक बिल्कुल करिए और शेयर करिए। ये दोनों सर्विस जो है, आप दोनों चीज़ें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। और साथ ही जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही जिन लोगों को अगर कंटेंट क्लियर नहीं आ रहा है तो वो एक बार अपने यूट्यूब ऐप की जो सेटिंग है उसको, आप जो सेटिंग में क्वालिटी ऑप्शन आता है वहाँ से चेंज कर लेंगे, आपको कंटेंट क्लियर दिखने लगेगा, वीडियो पूरा क्लियर दिखने लगेगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।